नासिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से। नासिर, श्रीनगर एक संवेदनशीलता से डूबा हुआ एक शहर है। अगर 2019 की मतदाताओं की बात की जाए तो वोटर टर्नआउट बिल्कुल भी एनकरेजिंग नहीं था, बहुत कम था वोटर टर्नआउट। इस बार क्या उम्मीद है कि वोटर टर्नआउट में इजाफा होगा? ज़्यादातर जो समुदाय है वहाँ पर वो मुस्लिम समुदाय है, 95% की वहाँ जो जनता है वो मुसलमान है, 4% लगभग हिंदू रहते हैं वहाँ, और 1% में और लोग भी रहते हैं। 2019 के अगर चुनावों की बात की जाए तो फारूक अब्दुल्ला जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, वो बहुमत से जीते थे। पर ये तो उस समय की बात है नासिर, जब अनुच्छेद 370 लागू नहीं हुआ था। आज जो सच्चाई है, जो ग्राउंड रियलिटी है श्रीनगर में, वो बहुत बदल चुकी है। क्या आप इस बात से सहमति रखते हैं? जी बिल्कुल विनीत, बिल्कुल सही कहा आपने। 2019 धारा 370 हटाए जाने से पहले एक कश्मीर घाट, एक आतंक का घाट था, एक हिंसा का घाट था। जिस पोलिंग बूथ पे हम मौजूद हैं, आपको मैं इसके बारे में बताऊं, इस पोलिंग बूथ के पीछे एक 10 साल का आतंकी खूंखार आतंकी जो लश्करी तैयबा का यूसुफ कांट्रू, उसको सुरक्षा बलों ने मार गिराने में सफलता उनको हाथ लगी थी। और आज इसी पोलिंग बूथ पर 50% वोट जो है वो सुबह से अभी तक डाले गए हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसमें अगर देखा जाएगा महिलाएँ ज़्यादा सामने आई, महिलाओं ने ज़्यादा हिस्सा लिया, के साथ यूथ्स ने हिस्सा लिया। जो यूथ्स कल तक पत्थरबाजी कर रहे थे इन पोलिंग बूथ्स पे या स्पेशली बाइकआउट कॉल्स पे ध्यान दे रहे थे, लेकिन आज वही यूथ कैमरा के सामने आ रहे हैं, आज वही यूथ वोट्स डाल रहे हैं, आज वही यूथ हमने सुबह से देखा बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगातार युवा जो है, युवा पीढ़ी वो लगातार सामने आ रही है, लगातार वो वोट अपने जो है मतदान दे रहे हैं। और जितने भी युवाओं के साथ हमारी बात हुई से लेकर अभी तक, युवाओं का यही कहना है कि पिछले 70 सालों से हमारा इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस बारी हम बदलाव चाहते हैं, इस बारी हम जी। नासिर, कई सारे ऐसे वोट जी विनीत जी फरमाइए। नासिर, आपका वीडियो चला गया था जी, मेरे साथ कुछ वोटर्स जी जी सर, आपका नाम? परवेज बुखारी। परवेज साहब, आज आपने वोट दिया, किन मुद्दों पे वोट दिया, क्या सोच के आज आपने मतदान किया? आज बहुत मुद्दत के बाद जो ये वोटिंग हुई, ये सबसे पहले डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए, और जो बेरोज़गारी यहाँ पे हुई है उस बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए हमने सोचा कि वोट, ये हमारा फ़र्ज़ है, वोट डालना हमारा फ़र्ज़ है। बीच में जो कुछ हुआ था कि बहुत सारे लोग वोट डालने के लिए नहीं निकल रहे थे, लेकिन उनको फिर बाद में पता चला कि यह हमारी गलती है, क्योंकि इस्लाम में आपको पता है हक खाना भी गुनाह है और हक किसी को अपना देना भी गुनाह है। लेकिन जहां तक वोट का ताल्लुक है, वोट हमारा डालना हमारा फ़र्ज़ है, और मैक्सिमम जो लोग आज, बहुत सारे लोग वोट डालने के लिए निकले, हमें बहुत खुशी हुई कि अच्छे माहौल में लोग वोट डालने के लिए निकले, ताकि जो बेरोज़गारी है और जो यहाँ पे कश्मीरी लोग हैं, मैक्सिमम जो बेरोज़गारी यहाँ पे और जो हालात यहाँ के, उस उनको सुधारने के लिए लोगों ने वोट डाला, ताकि हमारा जो पार्लियामेंट मेंबर यहाँ पे बनेगा, जो हमारे चाहे बिजली फीस ज़्यादा है, कहीं पे रोड नहीं बने हैं, कहीं के स्कूल की प्रॉब्लम है, कहीं पे रोडों की प्रॉब्लम है, उनको सारे वो मसले हल करने के लिए हमने सोचा कि वोट ही एक वाहिद तरीका है, ताकि हम अपने मेंबर को पार्लियामेंट में भेज सकें, ताकि वो हमारे लिए वो काम करें, ताकि जो हमारी ये प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए। मैक्सिमम हमने देखा कि बाइकॉट्स की कॉल आती थी, यूथ स्पेशली जो है वो इलेक्शंस बाइकॉट पे रहते थे, वो सामने नहीं आते थे, लेकिन 2019 के बाद जो पहला इलेक्शन यहाँ पे हुआ आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद, आज हमने देखा महिलाओं के साथ साथ यंग यूथ जो है वो फील्ड में आए, वो अपना वोट दे रहे। कैसे आप पूरे इस सिनेरियो को देख रहे हैं, कैसे इस चेंज को आप पूरे देखिए, बड़ी डेवलपमेंट है कश्मीर घाटी में? मैंने वही कहा ना, अब नौजवान जो है, नौजवान नस्ल जो है, अब उनको पता चला कि अगर हम वोट ना डालें तो ये गुनाह है। इस तरह की जो एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड लोगों ने ये सोचा कि जब हम वोट डालेंगे तभी तो हम किसी को कह सकते हैं, जिनको उन्होंने अपना वोट दिया हो कल वो उसको पकड़ सकते हैं कि हमने आपको वोट दिया, हम ही ने आपको कहीं पे भेजा है, हमारे जो ये प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करें। इस वजह से नौजवान जोग दर जोग आज निकले और लेडीज़ निकली, ताकि जो हमारे हालात हैं उनको सुधारने के लिए उन्होंने अपना वोट डाला। हाजी साहब, आपका नाम? सनावला। सनावला, आपने आप कितने टाइम से आप अपना वोट जो है मतदान कर रहे हैं? 40 साल। तो 40 साल से आपने लगातार अपना वोट दिया,
40 साल के बाद आज जो वोट आपने किया आर्टिकल 317 हटाए जाने के बाद, कितना फ़र्क लग रहा है? आज क्या मुद्दे हैं, क्या इलाके में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सोच के आपने आज वोट किया? इलाके में सब प्रॉब्लम है यहाँ, मिसाल सड़कों में प्रॉब्लम, बकाया प्रॉब्लम है यहाँ, सब प्रॉब्लम, इसलिए हम आज औरत और मर्द और यूथ भी आए हैं वोट डालने के लिए यहाँ। हाँ सर, हाँ सर, खुशी है कि सब साथ मिलके आए वोट डालने? हमसे ये तो बहुत खुशी है, आज हम इकट्ठे आए हैं, पहले की बात ही नहीं है, पहले उका दुका है ना, वो आए, आज से सब लोग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं जिनको वोट भी नहीं है वो भी आए। हाँ विनीत, ये देख लीजिए आप, ये इनका कहना है कि आज जो यंगस्टर्स है, जो युवा पीढ़ी, वो इतने खुश है, इतने उत्साह में थे कि जिनके वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं थे वो भी आज वोटर पोलिंग पॉइंट पे पहुंचे थे, अपना वोट जो है वोट को कास्ट करें। कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव एक जो डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर घाटी में हमें देखने को मिली, ये तब मुमकिन हुआ जब घाटी से 317 हटाया गया, उसके बाद ही मुमकिन हुआ कि घाटी की तस्वीर जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है, चारों तरफ से हमें कई सारी दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें जो है हमें सामने आ रही है। और आज भी रिसेंटली अगर हम 13 मई की बात करें, 13 मई श्रीनगर में जो कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शंस हुए, वहां पे जो टर्नआउट हुआ वो पिछले 20 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है, और आज उतना टर्नआउट जो है श्रीनगर में हुआ। और उसी श्रीनगर के हवाले से अगर बात करें, श्रीनगर जो है एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहां पे पोलिंग परसेंटेज 1% 2% या हार्डली 10% रहती थी, लेकिन आज वही श्रीनगर जो है 40 के पार टर्नआउट जो है 2019 के बाद आज पहली बार हुआ है। कहीं ना कहीं चलिए नासिर, इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.